आज मैं पहली बार आया इस दफ्तर में, नरेश भाई कह रहा बाटा चौक आ जाना। हमारी कितनी बड़ी पहचान थी, नमक हो टाटा का, जूता हो बाटा का, हमसे हमारी पहचान छीन ली। बाटा कंपनी की जमीन कांग्रेस पार्टी ने बिना पैसों के दी थी, और किस लिए दी थी कि यहां रोजगार लगे, हमारे लोगों को रोजगार मिले। और मैं दावे से कह सकता हूं, यहां जितने आदमी बैठे हैं, चाहे हमारे पत्रकार छायाकार बंधु भी हैं, किसी का ऐसा रिश्ते नातेदार नहीं होगा कि जो बाटा से रिलेटेड ना रहा हो। क्या बाटा के मजदूरों का इंसाफ हो गया? अरे कोई और खरीद लेता तो इतना कम नहीं होता। रक्षक ही हमारा रक्षक बन गया। बयान देते मदर यूनिट कैसे लगाऊं, जमीन महंगी हो गई। अरे जमीन तो तुम महंगी कर रहे हो, 12 एकड़ जमीन 156 करोड़ में खरीद रहे हो, और कितने में बेचोगे? राम जी की कसम खा के बता दो। सरकार चाहती केंद्र में भी मंत्री हो, यहां भी सरकार हो। बाऊजी भी इंडस्ट्री मिनिस्टर लगे हैं, बाऊजी हमारे लेबर मिनिस्टर रहे, उस समय भी ऐसे ऐसे पूंजीपति प्रपोजल देते थे। यहां पर जो भी जमीनों के प्लॉट सरकार ने बिना पैसों के दिए, उनमें एक शर्त थी कि आप जब भी जमीन ट्रांसफर करोगे सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप भारत सरकार में मंत्री थे, हरियाणा में सरकार थी, आपका फर्ज तो ये बनता था जिस दिन बाटा का इश्तिहार आया था उस दिन बाटा के एमडी को फोन करते कि भाई ये डीलरी के लिए कंपनी नहीं दी तुम्हें, लोगों के रोजगार के लिए दी है, तुम्हारे बस की नहीं है कंपनी चलाना, सरकार प्लॉट रिज्यूम कर लेगी। गरीब का तो 100 गज का प्लॉट भी रिज्यूम हो जाएगा, क्या बाटा फैक्ट्री रिज्यूम नहीं हो सकती थी? नहीं था बाटा वालों के बस की चलाना, आपके बस की नहीं था रिज्यूम करना, वहां के मजदूरों के हवाले कर देते, मुझको तो रोजगार मिलता।